हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मॉर्निंग में मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने आई हूँ, और ये मैंने जो कटिंग से वर्बेना लगाया था, देखो आप कितना अच्छा हो गया। ये एक पर्पल भी है, बट बाकी प्लांट्स उसके सूख गए हैं, वो नीचे रखा हुआ है। और ये देखो एक जोरा पिंक वाला। सूखे फूल हटा दे सकते हैं आप। और ये देखो, ये पोचुला का है, मल्टीपल कलर वाला है, पिंक और वाइट मिक्स। देखो वर्बेना में इसको आप बहुत इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं। इसके बाद सदाबहार इज ऑलवेज सदाबहार। ये हमारी सेवंती है, अभी तक ठीक है। हाँ, बारिश में ज़रूर आप ये करो कि सेवंती की केयर के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट बारिश में इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पौधे सूख जाते हैं। अब देखो इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ना ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है ये पौधा। अब इसमें नीचे से मैं इसको इसकी मिट्टी को ठीक करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो बारिश की वजह से गुड़हल में दोबारा से स्टार्ट हो गई है पत्तियाँ आना, और इस बार पारिजात बहुत अच्छा हो गया है, हेल्दी एकदम। ये हमारा एक जोरा है, और ये बेलपत्र है। ऐसा लग रहा था ये बेलपत्र ख़राब हो जाएगा, मेरा बेलपत्र का पौधा, पर देखो उसमें नई पत्तियाँ आ रही है, ठीक हो गया है ये दोबारा से, क्योंकि सूख सा गया था। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, इसमें ये पर्पल वाली है, वाइट भी आती है, पिंक भी। मेरे पास पिंक के बीज हैं लेकिन पिंक अभी लगी नहीं है, मैं उसको ठंड में लगाऊंगी या बारिश में लगा लूँगी। और ये देखो पोर्चुला का, पोशीलाका की बहुत सारी वैरायटी, और आप बारिश में ज़रूर लगाइए, ये बहुत अच्छे से फिर फ्लावरिंग करता है। ये देखो ऐसे दिखते हैं, किसी भी कलर के आप लगा लो, कितना सुंदर लग रहा है ये पॉट। और अभी तक ये येलो एलिमेंडा में बिल्कुल भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मैं सोच रही हूँ पता नहीं कब इसमें बर्ड्स आएंगी, कब ये फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा। और ये देखो आप पोशीलाका, सबसे बहुत अच्छा पौधा है ये, आप बहुत इजीली बस आप कहीं से भी इसको तोड़ के और कहीं से भी लगा दोगे तो ये ग्रो कर जाएगा। ये हमारा टर्नेरा है येलो वाला, और बहुत दिनों बाद सारे पौधे खुले खुले दिख रहे हैं। और ये हमारा कनेर है येलो वाला, देखो आप कितनी कम मिट्टी में लगाए, लेकिन ये पता है लगभग मतलब हफ्ते में कम से कम 5 दिन या 4 दिन तो फ्लावरिंग करता ही है, वो भी इसलिए इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ही कम है, नहीं तो ऑरेंज वाला तो परमानेंट करता है। ऑरेंज वाला मतलब डेली 1 से 2 फ्लावर या तो आना ही है, और ज़्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी। ये हमारा पिंक वाला हिबिस्कस, ये येलो वाला कनेर है, और ये पिंक वाला कनेर है, दोनों साथ ही में रख दिए मैंने। ये हमारा टर्नेरा है, और ये टिकोमा है जो मैंने मटके में लगाया था, देखो अब इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये भी गर्मी में पूरी गर्मी फ्लावरिंग करेगा, बट एक इसके फूल ज़्यादा टिकते नहीं हैं, एक दिन आते हैं दूसरे दिन गिर जाते हैं। और ये हमारा वाइट वाला है हिबिस्कस, और वो नीचे लगाने के ज़्यादा बेटर है कि आप उसको ज़मीन में लगाएं, क्योंकि वो फ्लावरिंग पॉट में इतनी अच्छी नहीं कर पाता। और आज हमारा रेड हिबिस्कस भी खिला है, बहुत अच्छा पौधा है ये, इसने पूरे मतलब साल फ्लावरिंग देना है, बहुत अच्छा पौधा है। और ये हमारा पराजिता, नाइस।
आज तो बहुत सारे फूल खिले हैं इसमें। ये हमारा वाइट वाला पोचला का, ये बोगनवेलिया है। अब इसमें देखो छोटे से पॉट में लगा है, अब इसमें पत्तियां आ रही हैं। और ये कॉस्मोस है, इसमें पता नहीं कब फ्लावरिंग होगी, बट अभी तो गर्मी में बच गए हैं पौधे सारे। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।